आई नाउ अगेन वंस अगेन इन्वाइट हमारे अगले वक्ता है मिस्टर प्रांजल सिन्हा. प्रांजल सिन्हा सामा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के को फाउंडर है और सामा प्लेटफॉर्म के द्वारा 15 से अधिक डिजिटल लोक अदालत की गई हैं और वह मध्य प्रदेश और बाकी जगहों पे बहुत सक्रिय तौर से स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे काम कर रहे हैं. सो प्रांजल, वी वेलकम यू. थैंक यू श्री मैम. आई होप ऑडिबल इज माई वॉइस ऑडिबल. यस या प्रांजल, वी कैन हियर यू. परफेक्ट परफेक्ट. थैंक यू. गुड आफ्टरनून ऑनरेबल जॉइंट सेक्रेटरी, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द हाउस, ऑल द स्पीकर्स एंड ऑल द पीपल आर वॉचिंग अस. आप सबको दिल से नमस्कार. मेरा नाम प्रांजल सिन्हा है. मैं एक वकील हूँ और मैं वैसे उत्तर प्रदेश से हूँ. मम्मी पापा मेरे इलाहाबाद कानपुर के हैं और अभी मैं एक संस्था चला रहा हूँ समा, जो ओडीआर कॉन्सेप्ट पे है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. और आज का मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ओडीआर के बारे में एक थोड़ा अवेयरनेस, एक एजुकेशन स्प्रेड करना और कैसे ये ओडीआर एक इतना शक्तिशाली टूल है, प्रॉम्प्ट रिड्रेसल, एक एक्सपेक्टेशन भी जॉन मिश्रा सर ने बोली थी, जो ओडीआर ऐसा शक्तिशाली टूल है जो पीएलवीज को, कॉमन सर्विस सेंटर्स को टेली लॉ में इंटीग्रेट करके बहुत मदद कर सकता है. और मेरा इंटेंशन है आज उस इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना. तो नेक्स्ट 8 से 10 मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि वो इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाए. सो जस्ट क्विकली शेयरिंग माई स्क्रीन. सो हम शुरुआत हमेशा इससे करते हैं. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. सो दिस इज आर आर सनी 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 पाजी स्क्रीमिंग तारीख पे तारीख. दिस मूवी केम इन 1995. दिस मूवी इज कॉल्ड दामिनी. बट इट रिप्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम विच इज वेरी मच स्टिल देयर, राइट? एज इन इंडिया में डिस्प्यूट्स रिजोल्व करना, अपने ग्रीवेंसेस को रिजोल्व करना एक आसान चीज नहीं है. हम सबको पता है 4.5-5 करोड़ केसेस, बहुत सारा समय लगता है केस को सॉल्व करने में, बहुत पैसा लगता है. ऑल्सो बहुत थोड़ा एडवर्सेरियल प्रोसेस है, मतलब कंटेस्ट करना होता है, एक पार्टी जीतती है एक पार्टी हारती है. और उससे भी ज्यादा आई थिंक पीपल लाइक माई पेरेंट्स, दे विल नेवर फाइल केसेस बिकॉज उनको लगता है केस फाइल करने में इतना टाइम, मनी और एनर्जी जाता है, इट्स नॉट वर्थ इट. सो देयर इज एन एस्टिमेटेड अनमेट लीगल मार्केट की 45 करोड़ से 75 करोड़ केसेस लोगों के पास हैं बट वो फाइल नहीं करते हैं. तो इसी प्रॉब्लम को शुरुआत सॉल्व करने की हमने शुरुआत करी थी 2015 में. ये हमारे कॉलेज में भी एक ऐसा सेशन हो रहा था, जैसे आप लोगों ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया, हमारे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, हुज आल्सो द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, ही हैड कम एंड ही वाज स्पीकिंग अबाउट एक्सेस टू जस्टिस. एंड माय क्वेश्चन टू हिम वाज कि अगर इंडिया में इतना बैकलॉग है केसेस का, आप लोग जजेस लोग छुट्टी क्यों लेते हैं, जजेस लोग विंटर वेकेशन, समर वेकेशन क्यों लेते हैं? और मुझे लगा था कि ये बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉइंटेड क्वेश्चन है. बट उन्होंने मुझे देखा और मेरे को देख के वो हंसे, मेरी इग्नोरेंस पे हंसे ऑफ द फुल पिक्चर. एंड ही टोल्ड मी द लाइफ ऑफ अ जज इन इंडिया एंड इट्स, दे डू नॉट हैव अ लाइफ, दे आर ट्रेमेंडसली अंडरस्टाफ्ड. जज टू पॉपुलेशन रेशियो हमारा थोड़ा वीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट वहां पे नहीं है. एंड उन्होंने थोड़ा मेरे को समझाया, थोड़ा उन्होंने मुझे डांटा कि पूरी पिक्चर को समझो. तो मैं थोड़ा डर गया और मैंने पूछा, अच्छा ठीक है सर, हाउ कैन वी हेल्प द कोर्ट्स? एंड ही सेड, प्रांजल डोंट कम टू कोर्ट, आप बिना कोर्ट आए आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ट्राई करो एंड ट्राई टू लेवरेज ऑन द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट इज ऑफ ओडीआर, वेयर वेयर आउट ऑफ कोर्ट मैकेनिज्म्स सच एज मीडिएशन, नेगोशिएशन, कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत, इन सारी एडीआर मैकेनिज्म्स को ऑनलाइन लाया जाता है और वो बन जाता है ओडीआर, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. काफी लोग पूछते हैं ओडीआर क्या है. हमारी भाषा में हम ओडीआर को बोलते हैं, ओडीआर मतलब सुलझाओ मगर प्यार से, कि आप प्यार से मतलब आप समझौता करो दूसरी पार्टी के साथ, एक सेटलमेंट करो. अगर बिजनेस और कंज्यूमर के बीच में झगड़ा है तो क्या वो एक बीच के रास्ते में आ सकते हैं? और प्यार से मतलब एफिशिएंसी, कन्वीनियंस, घर बैठे कहीं बिना आए आप घर बैठे आपका समझौता हो रहा है, आपका डिस्प्यूट रिजोल्व हो रहा है. एंड दैट्स व्हाट ओडीआर इज. हमने जब ये शुरुआत करी 2015 से 2018, हमें लगा कि बहुत ही अच्छा पावरफुल कॉन्सेप्ट है और हमें लगा कितने सारे केसेस हम लोग इससे
में इतने कितने सारे लोगों का मदद कर सकते हैं, बट 2015 से 18 के बीच में अगर आप गेस करना चाहें नंबर ऑफ केसेस हमने कितने हैंडल किए, तो हमने टोटल एक केस हैंडल किया उन 3-4 साल में, और वो एक केस भी मेरे भाई ने फाइल किया था टू शो सपोर्ट। बट हमें समझ नहीं आ रहा था कि लोग आ क्यों नहीं रहे हैं, इतना एक ऑनलाइन पोर्टल है, केस सेटल हो सकता है। तो फिर हमें धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि एक अवेयरनेस बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। 54% ऑफ द पीपल डू नॉट नो दैट मीडिएशन एक एग्जिस्ट करता है, डू नॉट नो ADR ODR एग्जिस्ट। काफी लोग मीडिएशन को मेडिटेशन से कंफ्यूज करते हैं, काफी लोगों को लगता है कि मीडिएशन अरे आपको मतलब कहीं स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, दे डोंट नो इट्स अ लेजिटिमेट लीगल प्रोसेस टू सॉल्व योर डिस्प्यूट्स। सो देन वी टुक इट अपॉन आवरसेल्व्स, जैसे आप लोग लीगल लिटरेसी भी काम करते हैं, हमने भी एक कैंपेन लॉन्च किया इंडियन मीडिएशन वीक करके, जिसका मिशन था सुलझाओ मगर प्यार से, और कुछ 2000 वॉलंटियर्स की मदद से हर जगह मीडिएशन के पैम्पलेट्स बांट रहे थे, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप मीडिएशन के थ्रू, ऑनलाइन मीडिएशन के थ्रू इसको सुलझा सकते हैं। काफी डिफरेंट लोगों से मिले, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेके हर जगह क्रिकेटर्स, काफी लोगों से सपोर्ट मिला इस कैंपेन को। इवन लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल किरण रिजिजू, उन्होंने भी एक्सटेंड किया था सपोर्ट कि इस कॉन्सेप्ट ऑफ ODR को, ऑनलाइन मीडिएशन को प्रमोट किया जाना चाहिए एंड इसमें एक करियर बनाना चाहिए लॉयर्स को और लॉ स्टूडेंट्स को। फिर नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे 2019 के बाद, नॉट टू चीयरलीड ऑन द पैंडेमिक, बट पैंडेमिक से भी मदद मिली और हमने ऑलमोस्ट कुछ 35 लाख केसेस का समझौता किया ऑनलाइन मीडिएशन से, ऑनलाइन लोक अदालत से, ऑनलाइन आर्बिट्रेशन से। कुछ एग्जाम्पल समझने के लिए मैं थोड़ा उस पर एम्फोसाइज करना चाहता हूँ कि कैसे ये ODR काम करता है, कैसे किस टाइप के केसेस का समझौता हो रहा है। तो पहला एग्जाम्पल शुरू करते हैं ई कॉमर्स डिस्प्यूट्स। तो स्नैपडील करके कंपनी है जो ई कॉमर्स, आप जानते होंगे ई कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनके कुछ केसेस पेंडिंग थे कोर्ट में, तो उन्होंने हमारे साथ पार्टनर किया। जो केसेस पेंडिंग थे उसमें एक नोटिस गया दूसरी पार्टी को कि क्या इसमें आप, कोर्ट प्रोसीडिंग तो चल रही है पैरेलली, क्या आप हमारे साथ समझौता ट्राई करना चाहते हैं, क्या आप सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो कुछ 120 नोटिस गए, इंग्लिश हिंदी जो भी भाषा थी, जिस भी स्टेट में नोटिस आ रहा था, और उसमें से कुछ 70 लोगों ने हाँ बोला कि हम हाँ मीडिएशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, और 70 में से कुछ 50 केसेस सेटल हुए और फिर वो सारे केसेस कंज्यूमर फोरम से विड्रॉ हो गए। तो ये काफी हेल्प किया स्नैपडील को। फिर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस में आया, किसी ने बोला इंश्योरेंस केसेस का कैसे 10-20 रुपए में इंश्योरेंस मिल रहा है, तो हम लोग बजाज अलायंस के साथ उनके लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स में उनकी मदद करते हैं। तो अगेन डिस्प्यूट पेंडिंग थे कंज्यूमर फोरम में, प्रीमियम को लेके डिस्प्यूट था, रिफंड ऑफ प्रीमियम को लेके, एंड केस 5 साल से पेंडिंग था। अगेन बजाज ने हमसे पार्टनरशिप करी, हमने नोटिस भेजा कंसिलेशन का, और 23 दिन के अंदर कहीं किसी को नहीं आना पड़ा, ये लाइफ इंश्योरेंस का केस 23 दिन के अंदर इसका समझौता किया गया, कंसिलेशन अवार्ड बना जो कि एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है अकॉर्डिंग टू आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, और उसको 15 दिन के अंदर पैसा भी मिल गया रिफंड, और उसके बाद वो केस कंज्यूमर फोरम से विड्रॉ हो गया। हमारी कोशिश है कि कैसे हम लोग जो पेंडेंसी है उसमें बर्डन रिड्यूस करने में मदद कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल था इंश्योरेंस का। फिर हम लोग लोन और क्रेडिट कार्ड डिस्प्यूट्स ICICI बैंक की, अगर आप ICICI बैंक से क्रेडिट कार्ड लेंगे तो उनके टर्म्स ऑफ कंडीशन में एक समा का मीडिएशन आर्बिट्रेशन का क्लॉज है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा कोर्ट जाने से पहले हम लोग मीडिएशन और आर्बिट्रेशन फुली ऑनलाइन के थ्रू सॉल्व करेंगे। कुछ 8,000 से ज्यादा डिस्प्यूट्स का समझौता हुआ कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन से 60 दिन के अंदर। सेम चीज जैसे आप लोग बोल रहे, हमने ऑनलाइन लोक अदालत भी हम लोग करवाते हैं, 15 ऑनलाइन लोक अदालत करवा चुके हैं, उसमें भी हर टाइप की केसेस आते हैं। पुलिस के साथ काम करते हैं मध्य प्रदेश में, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, फैमिली डिस्प्यूट्स, उनको 7 दिन के अंदर ऑनलाइन मीडिएशन से, ऑनलाइन कंसिलेशन से सुलझाने की कोशिश की जाती है। कुछ फोटोज हैं पार्टीज की, इवन द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस UU ललित केम ऑन द प्लेटफॉर्म टू अटेंड the hearings of the Maharashtra online lok adalat। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो कॉन्सेप्ट ऑफ ODR है ना, ऐसा कुछ नया नहीं है, ये काम कर रहा है बहुत, अब 3-4 साल से लोग इसको यूज कर रहे हैं, केस सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत सारी कंपनीज हैं, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, वेदांता, बैंक ऑफ बड़ौदा, उड़ान, बजाज, छोला मंडलम, ये सब लोग हमारा ऑनलाइन मीडिएशन यूज करके, ऑनलाइन आर्बिट्रेशन यूज करके केसेस को सॉल्व कर रहे हैं।
ई-कॉमर्स बैंकिंग एंड कंज्यूमर दीज आर द थ्री प्राइमरी कैटेगरीज विच आर सीइंग द मैक्सिमम यूजेज ऑफ ओडीआर. फिर गवर्नमेंट भी ओडीआर को काफी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज कर रही है. दिल्ली, ये सारे लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटीज, जो लोग पीपल विद डिसेबिलिटीज वो कैनॉट कम, उनका घर बैठे डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये सब लोग भी ODR का कॉन्सेप्ट यूज करके आइदर ऑनलाइन लोक अदालत या FIR के फाइल होने के पहले उनका समझौता करवाना हो रहा है. अभी तक हमने देखा है ऑलमोस्ट 2.1 करोड़ केसेस ODR प्लेटफॉर्म पे फाइल हुए हैं, जिसमें से 42 लाख केसेस सेटल हुए हैं एज ऑफ मार्च 2023. ये कुछ फोटोज हैं पार्टीज की, जब उनका केस सेटल हो जाता है तो कभी कभी केस सेटल हो जाता है बट वो साइन नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन, तो हम लोग केस मैनेजर भेजते हैं जो उनका सिग्नेचर ले लेता है ऑन द सेटलमेंट अग्रीमेंट. कुछ हमारे 3000 मीडिएटर्स हैं 443 सिटीज में, 31 भाषाओं में फ्लुएंट हैं, तो जहां से जिस डिस्ट्रिक्ट का केस आता है उस डिस्ट्रिक्ट का मीडिएटर अपॉइंट करने की कोशिश की जाती है. एंड बहुत ही पैशनेट मीडिएटर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों के केसेस सॉल्व किए जाएं. प्लेटफॉर्म पे ये सारे फीचर्स हैं, सिर्फ फाइलिंग नहीं, फाइलिंग तो एक स्टेप हो गया, बट फाइलिंग के बाद बातचीत करना, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना, दोनों पार्टी का केस अपडेट्स, केस ट्रैकिंग, राजीनामा, सब कुछ A to Z, साइनिंग, सिग्नेचर, स्टैंपिंग तक लेके सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे होता है. दैट इज द पावर ऑफ ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. कोई एक प्रोसेस नहीं, एक जो जर्नी होती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो पूरी इस ODR प्लेटफॉर्म पे कवर होती है. हमारा इंटेंशन यही है कि ODR को ज्यादा से ज्यादा और यूज किया जाए. बहुत पोटेंशियल है इस कॉन्सेप्ट में, और जैसे ये हेल्प कर सकता है, ODR एक प्रोफेशन भी बन सकता है पैरालीगल वॉलंटियर्स के, अगर वो चाहें इन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन मीडिएशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग्स भी, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए गए हैं अगर वो चाहें तो यूज करने के लिए. और बस हम चाहते हैं कि ऐसा टाइम हो कि कंज्यूमर्स और बिजनेस अगर कोई झगड़ा हो तो वो सुलझा सकें, लेकिन प्यार से. सो थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. थैंक यू एवरीवन.